नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। 2 साल बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए रूप ने अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस के नए एक्साइज स्ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है और राज्य सरकार ने देश में पहला एक्साइज स्ट्रेन का केस मुंबई में दर्ज किया। वहीं केंद्र सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक्साइज स्ट्रेन ओमिक्रॉन का नया रूप है, लेकिन आपको बता दें कि इस नए स्ट्रेन को वर्तमान में कोविड का सबसे तेजी से फैलने वाला स्ट्रेन माना गया है। देखते जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट। BMC ने दावा किया है कि देश का पहला एक्साइज स्ट्रेन का केस मुंबई में मिला है। दक्षिण अफ्रीका से आई 50 वर्षीय फैशन डिजाइनर पिछले महीने पॉजिटिव आई थी और उसके सैंपल में एक्साइज स्ट्रेन मिलने का दावा किया गया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये जांच गलत है और वो महिला 27 मार्च को पॉजिटिव मिली थी। उसका लैब सैंपल मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल की लैब में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वैश्विक जीनोमेटिक डेटा GISAID नियुक्त महिला के सैंपल में XE मिलने की पुष्टि की है, जबकि भारतीय सोर्स COV-2 जीनोम कंस्टोरियम INSACOG ने कहा है कि वो इसकी पुष्टि के लिए पश्चिम बंगाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इस सैंपल की एक बार और जीनोम सिक्वेंसिंग कराना चाहता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे एक्साइज स्ट्रेन को लेकर 100% पुष्टि नहीं की और उसने अपने नोट में कहा है कि XI का केस होने की संभावना है। दरअसल XI स्ट्रेन ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 स्ट्रेन का मिश्रित रूप है और ये ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के ताजा संक्रमण का जिम्मेदार माना गया है। BMC की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमरे ने कहा है कि बुधवार को इंस्कॉक की रिपोर्ट में हमें NIBMG को इस सैंपल की सिक्वेंसिंग के आंकड़े भेजने को कहा गया ताकि उनका और परीक्षण किया जा सके। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसे जल्दबाजी में XI स्ट्रेन करार दे दिया गया। महाराष्ट्र के कोविड निगरानी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने कहा कि महिला डिजाइनर एसिम्प्टोमेटिक थी और वो दोनों टीके लगवा चुकी थी। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि XI स्ट्रेन वर्तमान में सबसे ज्यादा संक्रामक है और ये BA.2 की तुलना में 10% तेजी से फैलता है। तो ये थी हिंदुस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।